Subscribe to Mann Ki Sadhana and hit the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, मन की साधना चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूँ साधना। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये गोटे वाली ड्रेस बनाना शुरू करेंगे। और ये देखिए कैसी लग रही है मेरी ये ड्रेस कान्हा जी की, बिल्कुल न्यू लुक है ये। फ्रेंड्स, मैंने गोटे से और मोती लगाकर बनाई है। और ये फ्लावर की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, अगर आप ये ड्रेस बनाना चाहें तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप बनाइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इनको यहाँ से भी टक कर सकते हैं, दो दो इनकी पत्तियाँ लेकर यहाँ से ज्वाइंट कर सकते हैं। ये मेरी तो अलग अलग है, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये फ्लावर बनाए हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये फ्लावर बनाना बताया है, आप उसमें देख सकते हैं कि ये फ्लावर मैंने कैसे बनाया। फ्रेंड्स, इसमें मैंने मोती सुई धागे से लगाए हैं, ये सारे सुई धागे से लगे हुए हैं, ये देखिए। और ये तीन तीन मैंने पत्तियां इसकी छोड़ दी हैं, ये देखिए, ये इसमें भी छोड़ दिए हैं। अब इसमें मैं सुई धागे से मोती लगाकर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए सुई को निकाल कर इस साइड से ले लेंगे, ये। और इसका जो गांठ वाला धागा है उसके बीच में से मैं ये सुई निकाल लेती हूँ, जिससे कि हमें गांठ अलग से नहीं लगानी पड़ती। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम यहाँ पर पक्का कर देंगे, दो बार गांठ लगा देंगे जिससे कि ये पक्का हो जाएगा। ये देखिए, एक बार लगा दी, अब ये दूसरी बार लगा देंगे। ये देखिए, अब इसको हम धागे को यहीं कट कर देंगे, इसको दूसरी पत्ती से नहीं जोड़ेंगे। ये देखिए, अब दूसरी पत्ती और बना के दिखा देती हूँ आपको कि इसमें मोती कैसे लगाना है। गांठ लगाएंगे और गोटे में से सुई निकालेंगे और एक मोती सुई में डालेंगे, ये देखिए ऐसे। और दूसरी साइड गोटे में से निकाल के इसको टाइट कर देंगे। और जो इसका गांठ वाला हिस्सा है उसके बीच में से मैं सुई को निकाल लेती हूँ, जिससे कि गांठ अलग से ना लगानी पड़े। ये देखिए, अब इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए, अब इसको भी काट लेंगे। ऐसी मैं आपको सारे उसमें लगा के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये वाला फ्लावर भी तैयार कर लिया है, अब इसमें पीछे गांठ लगा देंगे। पक्का करके गांठ लगा देंगे जिससे कि ये मोती निकले ना, क्योंकि हम लोग ड्रेस बना रहे हैं तो ड्रेस में परेशानी ना हो बार बार मोती निकलने की, इसलिए सही से लगाइएगा। अब इसको कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे चार फ्लावर तैयार हो गए हैं। क्योंकि मेरे कान्हा जी बहुत छोटे हैं, उनके में शायद तीन या चार ही फ्लावर लगेंगे। अब फ्रेंड्स, मैंने 9 नंबर की क्रोशिया ली है और ये मैंने गोटा ले लिया है। अब सबसे पहले हम कान्हा जी की ड्रेस के लिए 10 चेन बनाएंगे। एक, ये 10 चेन बन गई हैं। अब हमको क्या करना है ये मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, एक फ्लावर लेंगे
और इसकी एक पत्ती में से क्रोशिया को निकाल के ऐसे ऐसे फ्रेंड्स और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर दूसरी वाली पत्ती में से निकालेंगे, तो देखिए फिर सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे। फिर तीसरी पट्टी में से निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया से इसको भी जॉइंट कर देंगे। ये देखिए अब हम दूसरा फूल लेंगे, अब इसको भी इस क्रोशिया को पत्ती में से निकाल कर ऐसे और सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे। फिर दूसरी वाली सॉरी फ्रेंड्स ये पहली वाली पत्ती में से निकाल कर इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए फिर दूसरी वाली में से निकाल कर ऐसे जॉइंट कर देंगे। फिर तीसरी वाली में से निकाल कर सिंगल क्रोशिया से ही इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिए ये इनकी बेल्ट बनती जा रही है कान्हा जी की ऐसे। अब हम तीसरा फूल लेंगे, इसमें भी पहली पत्ती में से निकाल कर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, दूसरी वाली में से भी निकाल कर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे और तीसरी वाली में से भी निकाल कर इसको भी जॉइंट कर देंगे। अब मैं चौथी भी लगाकर आपको फ्रेंड्स मैंने आपको चार फूल बताए थे, मैंने चार फूल बना लिए हैं, लेकिन चार फूल लगाने पर मेरी ड्रेस कान्हा जी की अधूरी सी लग रही थी। फिर मैंने एक फ्लावर और बनाया है, उसको भी उसी तरीके से जॉइंट कर लिया है जैसे ये सारे जॉइंट किए थे, ये चार किए थे फ्रेंड्स। अब इसमें अब ये कमर हमारी कान्हा जी की बड़ी है, अब इसको हम क्या करेंगे एक चेन लेके पलट लेंगे और एक एक चेन छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे ऐसे, क्योंकि हमें कमर कम करनी है। तो कमर जब ही कम होगी जब हम एक एक चेन छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए अब ये छोड़ देंगे, इस वाले में डालेंगे ऐसे फिर इसे छोड़ देंगे इसमें डालेंगे। अभी मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये अब कमर हमारी कम हो गई है, ये देखिए है ना। अब ये इधर हमने 10 चेन की डोरी बनाई थी, अब 10 चेन की ही डोरी हमको इधर बनानी है। वो कैसे बनानी है, अब इस साइड से हमें दूसरा गोटा जॉइंट करना है। ये देखिए ऐसे ऐसे अब इसको ही हम बनाते जाएंगे, 10 चेन बनानी है। मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है, कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है कान्हा जी के ऊपर। ये देखिए बहुत प्यारी लग रही है फ्रेंड्स। अब इनकी हम चोली भी बनाएंगे फ्रेंड्स। अब हम कान्हा जी की चोली बनाएंगे, ये मैंने गोटा ले लिया है और ये मोती गोटे में डाल लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे, इसके बाद 10 चेन बनाएंगे। और ये कान्हा जी के सिर पे लगा के देख लेंगे कि ये छोटा या बड़ा ना हो,
फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। आप अपने कान्हा जी के जब नाप के बनाएंगे तो चेन कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, 8 भी हो, और अगर कान्हा जी बड़े हैं तो 12 भी हो सकती हैं। अब हम इसमें नॉट जो लगाई है इसमें स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। अब यहां पर हम 3 चेन बनाएंगे, 2, 3, और इसके साथ ही हम फ्रेंड्स इसको थोड़ा खींच के बनाना है तो पहले 2 धागे निकालेंगे, फिर उसके बाद में जब ये क्रोशिया के ऊपर 2 हैं इनको निकालेंगे तो मोती साथ में लेकर निकालेंगे ऐसे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले 2 निकालेंगे ऐसे, फिर एक ये मोती लेंगे, फिर इन 2 को निकाल देंगे ऐसे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, पहले 2 निकालेंगे, फिर ये मोती लेके निकालेंगे ऐसे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले ये 2 निकालेंगे, फिर 2 से पहले ये मोती लगा लेंगे, उसके बाद में इन 2 को निकालेंगे। फ्रेंड्स ये सारी रिंग में मैं इसी तरीके से कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ये मोती कैसे लगते जाएंगे साथ में, ये देखिए बहुत सुंदर चोली बनेगी, बनाने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये पूरी चोली बन गई है। अब ये जो धागे हैं इनको हम यहाँ से कट कर देंगे गोटे को ऐसे, ये देखिए बन गई। अब कान्हा जी को पहना के दिखाते हैं, देखते हैं कैसी बनी है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत सुंदर बनी है ड्रेस। ये देखिए आपको पास से दिखा दूं, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम कान्हा जी की पगड़ी बनाते हैं। सबसे पहले हम 6 चेन बनाएंगे, और फ्रेंड्स इसको पहली वाली चेन में, ये देखिए ये है हमारी पहली वाली चेन, इसमें इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ये देखिए। अब इसमें हम बनाएंगे 3 क्रोशिया, 1, 2, 3। अब इसमें हम एक मोती लेंगे और इसमें भी एक चेन बना देंगे ऐसे, देखिए। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, और इसमें फिर हम एक मोती लगाएंगे, ये देखिए 2, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे ये निकालेंगे, और इसमें फिर हम मोती को लेके बुन देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। ये इसको हम छोटा कर देंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर ऐसे, और एक एक मोती करके हम साथ के साथ इसमें लेते जाएंगे, ये देखिए ऐसे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे ऐसे, और एक मोती लेंगे
फिर इसको हम मोती के साथ यहाँ पे बिन देंगे, ये देखिए। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर रिंग में से निकालेंगे ये कैसे, फिर एक मोती लेंगे, भी फ्रेंड्स मैं आपको ये पूरा करके, ये पूरी रिंग भर के आपको मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये कान्हा जी की टोपी भी बना ली है मैंने, ये देखिए इसमें भी मैंने मोती लगाए हुए हैं। अब इसको हम नाप लेते हैं कान्हा जी के सिर पर कैसे आती है, लूज है या टाइट है, ये देखिए, ये देखिए, अरे वाह, ये देखिए बिल्कुल सही आई है मेरे कान्हा जी के, ये देखिए बिल्कुल सही है, ये देखिए दिख रहा है आपको, पास से दिखाऊं, ये देखिए। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके भी लगा सकती हैं ऐसे, और आप चाहें तो थोड़ा नीचे करके भी लगा सकती हैं। देखिए मेरे ये कान्हा जी की पूरी ड्रेस तैयार हो चुकी है। अब इसको फ्रेंड्स हमको एक और चेन बना के ऐसे और गोटे को काट देना है, ये देखिए इन सबको हम अंदर कर देंगे, क्रोशिया से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरे कान्हा जी बिल्कुल तैयार हैं। चल फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी आप ये ड्रेस शुरू करें तो आप चोली का और सिर का और घेर का, यानी कमर का और गले का और सिर का नाप जरूर ले लें, तभी आप बनाएं। फ्रेंड्स ये ड्रेस आप जरूर बनाइएगा, मेरे कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे हैं और दूल्हा लग रहे हैं, और आप भी अपने कान्हा जी के लिए बनाइएगा, फिर पहनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये कान्हा जी आपके कैसे लगे, बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे कान्हा जी आपको अच्छे लगे हो इस पोशाक में, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे कि वीडियो मेरी जब भी नई अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।